जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सामुदायिक शौचालय में कार्य करने वाली केयरटेकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा है जिससे सामुदायिक शौचालय में कार्य करने वाली केयरटेकर महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा, तो इसी विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो भी महिलाएं सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत केयर टेकर के रूप में नियुक्त की गई थीं, उन सभी केयर टेकर महिलाओं की जो सैलरी थी वो समूह के ही खाते में आती थी। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन अभी जो नया बदलाव किया जा रहा है उसमें जो केयर टेकर महिलाओं की सैलरी है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं को ये जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बिहाफ पर सभी सचिवों को ये आदेश दिए गए हैं कि जिस ब्लॉक में जिस ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर महिलाएँ समूह के द्वारा नियुक्त की गई हैं उन केयर टेकर महिलाओं की एक बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी तथा एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी को कलेक्ट कर लें और जो और संबंधित विभाग में उसे सबमिट कर दें। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। फिलहाल अभी जो उन्हें करना है वो सिर्फ फोटोकॉपी कलेक्ट करके संबंधित विभाग में जमा करना है और उसके बाद जब वेरिफिकेशन पूरी तरह हो जाएगा, सामुदायिक शौचालय का जो वेरिफिकेशन बताया गया था वो वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस बैंक अकाउंट में केयर टेकर महिलाओं की सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। केयर टेकर महिलाओं को एक सुझाव भी देना चाहेंगे, जिन केयर टेकर महिलाओं के एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उन्हें अपने बैंक खातों को देख लेना चाहिए कि वो सुचारू रूप से चालू हैं या नहीं हैं, या फिर उनमें कोई दिक्कत है या किसी में आधार कार्ड वगैरह की दिक्कत है तो वो अभी उस दिक्कत को सही कर लें, जिससे कि आगे आपको किसी भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। आपको अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक अगर नहीं है तो करवा लें बैंक जाकर, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आजकल सरकारी पैसा जब अकाउंट में भेजा जाता है तो उसे पेमेंट करने के लिए कई मेथड बनाए गए हैं, तो आपको किस मेथड से पैसा प्राप्त होने वाला है इस विषय में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में उस बात को डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई इतना ज़्यादा वीडियो देखना भी पसंद नहीं करता है। जैसा कि मैं अपने वीडियोज पर अगर देखता हूं तो इतना ज़्यादा वॉच टाइम देखने को मुझे नहीं मिलता है, तो जो मेन जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।